हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, जिससे किसान काफी लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही हरियाणा सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर भिवानी के किसान मछली पालन कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखें। हरियाणा सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है और किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भिवानी के किसान दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। भिवानी के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर हाईटेक खेती की ओर अपना रुझान कर रहे हैं, क्योंकि परंपरागत खेती से किसानों को मुनाफा नहीं होता है और हाईटेक खेती से किसान लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। भिवानी में किसान झींगा मछली पालन कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान मछली पालन की नई नई तकनीक अपना कर मत्स्य पालक अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार पूरा सहयोग कर रही है। किसान बंजर जमीन पर मछली पालन से लाखों रुपए कमा रहे हैं। भिवानी के सिवानी और लोहारू के किसान तो लखपति हो चुके हैं, तो वहीं मत्स्य पालन अधिकारी सिकंदर सिंह सांगवान ने बताया कि इस बार किसानों ने 250 एकड़ में मछली पालन शुरू किया था। किसानों ने लाखों रुपए भी कमाए। किसानों को इतनी आमदनी इस एरिया में पहली बार हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जेपी दलाल किसानों को इस ओर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में और अधिक किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसान खूब कमाई कर सके। सिकंदर सिंह सांगवान, जिला मत्स्य अधिकारी भिवानी। सरकार द्वारा पीएमएसवाई स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत खारे पानी में मछली पालन के प्रयास के लिए माननीय मुख्यमंत्री व माननीय मंत्री जी श्री जेपी दलाल के दिशा निर्देश और प्रयास के माध्यम से ब्लॉक शिवानी और बहल में 2022-23 के दौरान 250 एकड़ में झींगा मछली पालन का कार्य करवाया गया है। मत्स्य किसानों को वहाँ एक मत्स्य किसान कम से कम 7 टन से लेके 8 टन की झींगा मछली पालन की प्रोडक्शन का उत्पादन किया, जिससे उस बंजर जमीन में मत्स्य किसान को कुछ भी पैदा नहीं होता था। सरकार के प्रयास से उस जमीन में कम 25-30 लाख रुपए की इनकम मत्स्य किसान ने 4 महीने के टाइम में वो उत्पादन करके अपना अच्छा मुनाफा प्राप्त किया है। मत्स्य पालन अधिकारी ने कहा कि कृषि मंत्री किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जिससे किसान प्रेरित हो रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि कृषि विभाग लगातार किसानों के लिए कैंप लगाता है और किसानों को झींगा मछली पालन के लिए जागरूक करता है और साथ ही साथ सही जानकारी देता है, जिससे किसान अब मछली पालन कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों की ज्यादा कमाई हुई है और किसान अब मछली पालन का रुख ज्यादा कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा प्रयास है माननीय जेपी दलाल जी का, और वहाँ ज्यादा ज्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं। हर जगह डिपार्टमेंट की उपलब्धियों के बारे में गिनवाते हैं, बताते हैं, ज्यादा ज्यादा किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप झींगा मछली पालन का कार्य शुरू करें, जिससे आपकी आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, आपके बच्चे पालन पोषण अच्छी प्रकार से चलेगा और बेरोजगार युवकों को भी ज्यादा ज्यादा कहते हैं भाई आप भी इसमें मछली पालन से जुड़ें, जिससे आपको ज्यादा इनकम होगी और रोजगार का साधन आपको प्राप्त होगा। गरवा में भी माननीय मंत्री जी के प्रयास से एक एक्सलेंस सेंटर उत्कृष्ट केंद्र खारे पानी का मत्स्य विभाग द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अभी उसका प्रोसेस में चला हुआ है। उसके होने के बाद इसके बारे में आगे माननीय मंत्री जी के प्रयास से इसमें भी अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। किसानों को फायदा होगा, जिससे खारे बंजर भूमि है जहाँ अंडरग्राउंड पानी है, खारे पानी उसको ज्यादा ज्यादा इसमें प्रयोग करके झींगा मछली पालन का करवाया जाएगा और लोगों को किसानों को ज्यादा ज्यादा इसका उत्पादन लेकर अपनी आय का स्रोत बढ़ाए। खेती किसानी में नई नई तकनीकें आने लगी हैं। इन तकनीकों के माध्यम से किसान बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। इधर किसानों के बीच अनुदान पर खेतों में तालाब खुदवाकर मछली पालन करने का चलन बढ़ा है। सरकार भी किसानों को इसके लिए लगातार प्रोत्साहित करती है। इससे किसानों के मुनाफे में लगातार इजाफा हो रहा है। भिवानी में पहले परंपरागत तरीके से मछली उत्पादन बिना किसी तालाब के सुधार के साथ किया जाता था।
भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद किसानों ने मत्स्य विभाग की तरफ रुख करना शुरू किया। हरियाणा सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है जिससे किसानों को फायदा मिल रहा है। साथ ही मछली पालन के लिए हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर रही है और किसानों को इसका भरपूर फायदा मिल रहा है। जनता टीवी के लिए दीपक मुखर्जा की रिपोर्ट।